हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मेगास क्विजिंग कॉर्नर। और आपने देखा ही होगा ये लच्छा पराठा, तो आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा और वो भी ढेर सारी लेयर्स वाला। तो चलिए बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 कप मैदा, उसमें डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल, आधी चम्मच नमक और पानी डालकर अब उसका आटा गूंथना है। हमें इसका आटा एकदम सॉफ्ट गूंथना है, ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना। तो चलिए मैंने आटा गूंथ लिया है, अब डालेंगे इस पर थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालकर आटे को अच्छे से मॉइस्ट करेंगे और मॉइस्ट करने के बाद हमें आटा 1 घंटे के लिए ढककर रखना है। 1 घंटे बाद चेक करेंगे तो आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इस पर डाला है मैंने थोड़ा सा घी। घी डालने के बाद आटे को थोड़ा सा मसलना है और उसके बाद देखिए मैंने लिए यहाँ पर आटे की 1 लोई। तो सबसे पहले हमें उसकी एकदम पतली सी रोटी बेलनी है। मेरे चैनल पर मसाला लच्छा पराठा की भी रेसिपी अवेलेबल है, तो ज़रूर चेक करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको ऐसी ही रेसिपीज़ रोज़ देखनी है, सीखनी है, तो मेरे चैनल पर रोज़ मैं अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो मैंने ये पतली सी रोटी बेल दी है। देखिए हमें इतनी पतली रोटी चाहिए, एकदम पतली रोटी होनी चाहिए। और रोटी तैयार है, अब हम इसे चाकू से कट लगाएंगे। एकदम पतले पतले कट लगाने हैं हमें, जिससे कि इसकी बहुत सारी लेयर्स दिखे। सारी की सारी रोटी पर कट लगा दिए, अब लगाना है उस पर घी या ऑयल, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी लगाया है। घी लगाने के बाद उस पर डालेंगे थोड़ा सा आटा, और आटा ज़रूर डालिए, क्योंकि आटा डालने से ये लच्छा पराठा एकदम लेयर्सदार बनता है। लच्छा पराठे की लेयर्स एकदम अच्छे से बाहर निकल कर आती है। आटा डालने के बाद हमें इस सारे कट को एक जगह इकट्ठा करना है, और इन सारे कट को इकट्ठा करने के बाद हमें इसका एक रोल बनाना है। देखिए बिल्कुल इस तरह रोल बनाने के बाद अब डालेंगे चकले पर थोड़ा सा आटा। अब बेलेंगे पराठा, और ध्यान रखिए पराठा हमें एकदम हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा जोर लगा कर मत बेलिए, और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा ही रखिए। अगर पतला बेलेंगे तो इसकी लेयर्स अच्छे से नहीं निकलेगी। अभी आप कहेंगे कि एक मोटा रखेंगे तो ये कच्चा नहीं लगेगा खाने में, तो ये बिल्कुल कच्चा नहीं लगता, ये बाहर से कुरकुरा और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है। देखिए मैंने लिया है यहाँ पर एक तवा, तवे पर डाला है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल या घी दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, और उस पर डालेंगे अब ये बेला हुआ पराठा, और अब इसे अल्टी पल्टी कर हमें अच्छे से सेकना है। अब दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, पराठे को अच्छे से सेकिए। देखिए पराठे की लेयर्स निकल रही है अभी से ही। तो चलिए लच्छा पराठा सीख कर तैयार है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 पराठे बना लिए। पराठे की लेयर्स देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से खिली खिली लेयर्स बनी है, और कितना अच्छा बना है हमारा लच्छा पराठा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।